संबत सहस मूल फल खाए साधु आई सकबर शगवाए। जय हो छुदिन भो हनुमान की जय। पार्वती मैया बहुत घनघोर तपस्या करती हैं। संवत सहस मूल फल खाए साग खाए सतवर्ष गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल आदि खा करके तपस्या किया। 100 वर्ष साग खा करके तप करी है। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिन तो केवल जल पी करके तप करती हैं, वायु को भोजन के रूप में ग्रहण करके तप करती हैं। फिर कुछ दिन जो बेल पत्र सूख करके गिर जाता है पृथ्वी पर उसका सेवन करके तपस्या करती हैं। कितना समय तक? 3000 वर्ष तक। पार्वती जी का शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया, दुबला पतला हो गया है। जब उनकी तपस्या सिद्ध होती है तब आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा जी आकाश के जरिए उद्घोष करते हुए बताते कि हे पुत्री, तुम्हारा तप सफल हो गया, जो तुम चाहती हो सब तुम्हें मिलेगा। अब ये कठिन दुरूह तपस्या छोड़ करके जब आपके पिता आए आपको लेने, तो आप अपने पिताजी के साथ उनके नगर को चले जाइएगा। दैव प्रेरणा से ये खबर मिलती है हिमाचल जी को। वो आते अपनी बेटी को ससम्मान बहुत प्रेम भाव से अपने नगर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पार्वती मैया अपना मन भगवान भोलेनाथ में लगा करके उनको याद करती हैं, उनको सुमिरन करती हैं। और भगवान का भजन करते हुए वो अपने जीवन को जीती हैं। इधर शिव जी की दशा क्या है, जब से सती मैया से वियोग हुआ है तब से उनकी स्थिति क्या है, उसका निरूपण है। जब से सती मैया से भगवान शिव विलग हुए हैं तब से भगवान शिव और अधिक तन्मय होकर के प्रभु राम में डूबे रहते हैं।
एक दिन की बात है, भगवान श्री राम भगवान शिव के समक्ष प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के शिव जी से निवेदन करते हैं। उनको निवेदन का मतलब होता है प्रेम पूर्वक आज्ञा देना या कुछ करिए ये बात कहना। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेज विशाला। भगवान श्री राम प्रकट होते हैं भगवान शिव के उपासना आराधना से। शिव जी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ उनसे निवेदन करते हैं कि हे शिव जी, आपने बहुत बहुत लंबे समय तक अपना व्रत निभाया, अपने व्रत को धारण करके रखा, लेकिन अब सती पार्वती जी के रूप में फिर से जन्म ले चुकी हैं।
बहुत पुनीत बहुत पवित्र उनका मन है, फिर से उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर लीजिए। अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने, हे शिव यदि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं, कौन कह रहा, भगवान राम कह रहे हैं, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैलज ही यह मुही मांगे दे। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो पार्वती जी को फिर से जीवन में स्वीकार करिए, उनसे विवाह करिए। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही नाथ वचन पुनि मीटि न जाहि, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी कहते हैं कि शादी ब्याह के चक्कर में हमको अनुभव हो चुका है, फिर नहीं फंसना है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो उसे हम अपने सर पर धारण करके अवश्य पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम्ह सब भाति परम हितकारी अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम्ह सब भाति परम हितकारी अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु प्रभु के वचनों को बिना विचार किए जस का तस धारण कर लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और आप तो हमारे परम हितैषी हैं, परम हितकारी हैं, आपसे अधिक हमारा हित चाहने वाला इस संसार में कोई और नहीं है। आपने आज्ञा दिया तो उसका पालन होगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। भगवान राम वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, संयोगवश सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि के आने के बाद भगवान शिव उनसे कहते हैं जाके जरा सती के मन को टटोलिए, उनके मन में क्या है, किस तरह का भाव है, पहले जैसी हैं या कुछ बदली हैं। सप्तऋषि जाते हैं और अनेक प्रकार से शिव जी की निंदा करते हैं। सप्तऋषि की बात सुन करके सती मैया उनसे कहती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जिही कर मनु रम जाहि, जेही कर मन रम जाहि सन तेही तेही सन काम। आप लोग चाहे कितनी भी निंदा करें, कितनी भी बुराई करें भगवान भोलेनाथ की, जो भगवान हमें समझ में आ रहे हैं, जिस भगवान से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, उसे हम अच्छे से जानते हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरों संभुनत रहूं कुवारी, जन्म जन्मांतर का हमारा भगवान शिव के साथ संबंध है, उनसे विवाह होगा तो करेंगे वरना ऐसे ही रह लेंगे। सप्तऋषि आकर भगवान शिव को सारी बात बताते हैं, शिव जी सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इसी समय तारक नाम का एक असुर था जो इतना अत्याचार कर रखा था कि उसके आतंक से सब लोग त्राही त्राही कर रहे थे।
उसका किस प्रकार नाश हो, कैसे उसका वध हो, जब इस बारे में विचार किया जाता है तब पता चलता है शिव जी के माध्यम से जो शिव जी का संतान होगा उसी के बल प्रताप से तारक का वध संभव होगा। सब देवता लोग भी मिलकर के आकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब आप विवाह कर लीजिए। आपके विवाह करने से एक तो आपकी जीवन साथी आपको मिल जाएगी और दूसरा हम सबको जो बहुत अधिक प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, सता रहा है, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव प्रसन्न मन से अपनी सहमति दे देते हैं। विवाह की तैयारी होती है, इधर सब लोग तैयारी में लग जाते हैं और भगवान फिर ध्यान में भगवान राम के शिव जी लीन हो जाते हैं। अब वो ध्यान में लीन, हमको जगाए कौन? कामदेव से प्रार्थना किया जाता है। कामदेव पहले तो तैयार नहीं होते, पर सबकी बात सुनकर के, सब देवताओं का प्रार्थना सुनकर के, हे कामदेव आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कामदेव भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए प्रवृत्त होते हैं, अनेक प्रकार से शिव जी के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। अंत में अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके भगवान शिव के नेत्रों के मध्य, जो उनका तीसरा नेत्र है, वहां कामदेव बाण चलाते हैं। भगवान को जैसे ही बाण लगता है, भगवान अपना नेत्र खोलते हैं और उनके क्रोधाग्नि में, भगवान भोलेनाथ के क्रोधाग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी रति आती हैं, बहुत प्रार्थना करती हैं, हे नाथ हम तो अनाथ हो गए, हमारा जीवन साथी तो हमसे छीन लिया आपने। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, अब से तुम्हारा जीवन साथी और शरीर रूप से सदा तुमको मिलता रहेगा। शरीर के रूप में द्वापर काल में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवान शिव ध्यान से बाहर आ जाते हैं, उनके विवाह की तैयारी आरंभ होती है। सब कुछ जब तय हो जाता है, विवाह का मुहूर्त निश्चित हो जाता है, सारी तैयारी पूरी हो जाती है, विवाह का समय निश्चित होने के बाद देवता आदि ब्रह्मा जी सब कहते हैं कि अब हम सबको शिव जी की बारात में शामिल होकर के पार्वती जी के नगर चलना होगा। भगवान शिव समस्त जीव जगत को कहते हैं, जिसका मन है, जो कोई बारात में शामिल होना चाहता है, सबका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच, हाँ, अनेक प्रकार के जीव जंतु सब बहुत खुश होते हैं। हाँ, बताओ भगवान भोलेनाथ के अलावा, शिव जी के अलावा हमारा कौन है? कौन हमको अपने बारात में ले जाता है? भगवान शिव ही तो हैं जो सबको याद कर रहे हैं कि सब लोग, जिसका मन है सब लोग चलिए। लगे सवारन सकल सुरा वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शोभदा करहि अप्सरा। अप्सराएं मंगल गान करने लगी, देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, सब सज धज के भगवान शिव के बारात में शामिल हो गए। भांति भांति के प्रकार से भांति भांति अपने विमानों को सजा धजा करके सब लोग शिव जी के बारात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और इधर शिव जी अपने ससुराल जाने से पहले अपना श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर भाव है।